वॉल्स देखो है ना 1400 साल पुराना है। Oh, that's great. Thank you. पूरे साल की टिकट मिल गई हमें। 1.5 hour लगा होगा आसिफ हमें। कितना टाइम हमें लंदन से लग गया आते हुए। और अभी जैसे हमने स्टार्ट किया है पहला विजिट हम यहाँ पे कर रहे हैं। हेलो वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग एंड आज का जो हमारा ट्रैवल हो रहा है आप लोग सोचते होंगे हर वक्त ट्रैवल पे ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे घर पे वीडियोस बनाने में भी उतना ही मज़ा आता है जितना ट्रैवल में। सो आज का हमारा सफ़र जारी है टूवर्ड्स कैंटरबरी। तो कैंटरबरी एक बहुत ही पुराना शहर है, पुराने शहर तो यहाँ इंग्लैंड में बहुत सारे हैं लेकिन इसकी खासियत क्या है वो हम आपको बताएंगे कैंटरबरी पहुँच के। तो इस सफ़र में हमारे साथ रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। कहाँ पे? हाँ कितने घंटे की है? 10 मिनट की पार्किंग। व्हाट? नहीं इधर कहीं पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था वो देखें। 7:30 पर आवर इज 3:50। ये जो वो बैरियर देख रहे हैं ना ये वॉल। आज हम आए हैं कैंटरबरी। कैंटरबरी 1400 साल पुराना चर्च है, सिटी है, शहर है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो है ये कैथीड्रल ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी कैथीड्रल, जहाँ पे बेसिकली आपका पूरा प्रोटेस्टेंट एंग्लिकन फेथ का जो इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं? इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं पार्किंग के पास। यू आर हियर, ठीक है। हमें ये पूरा इसका मैप एग्जैक्टली फॉलो करना है। ओके चले जी आ जाए। ब्रिक से बनी हुई है इनकी वॉल्स देखो है ना 1400 साल पुराना है। ये भी चर्च है पुराना। हाँ चर्च ओपन है बट अच्छा जी अगर आपने चर्च विजिट करना है कैंटरबरी कैथेड्रल तो उसकी प्राइस जो है वो लिखी हुई है एडल्ट की 15 pounds पर पर्सन। 15 pounds आसिफ वहाँ से देखने गए हैं वहाँ से टिकट यहाँ से परचेज करनी है आपने। ये हाई स्ट्रीट पे हैं इस वक्त हम और बहुत ही खूबसूरत जगह लगी है मुझे ये वेरी ओल्ड सिटी। एंड क्यू देखें आप क्यू में लगे हुए हैं। चलें यस यहाँ से हमने टिकट जो है वो परचेज करनी है और ये रास्ता है कैथेड्रल एंड शॉप जिसपे हमें यहीं से अंदर जाना है। यहाँ से आप परचेज करेंगे। वाव हैप्पी You want this? You want one? दो एडल्ट टिकट है 15 pounds की एक टिकट पड़ी है हमें और 17 साल से कम बच्चे जो हैं वो फ्री हैं। पूरे साल की टिकट मिल गई हमें 15 pounds की टिकट पर पर्सन और पूरा साल आप कैथेड्रल जो है वो विजिट कर सकते हैं। कैथेड्रल दिस वे विच वे? अच्छा यहाँ से जाना है ठीक है। इंग्लैंड का सबसे बिगेस्ट कैथेड्रल है एंड दी ओल्डेस्ट वन आई बिलीव। इट्स नॉट दी ओल्डेस्ट वन, पुराना इससे भी पुराना हमने देखा है विजिट लैंकास्टर में किया है। 953 साल पुराना। हाँ 953 ईयर्स ओल्ड। चलिए जी थैंक यू। वाह यहाँ से हमें लेके आ रहे थे शॉप्स
यहीं से जा सकते थे, हम आ सकते थे वैसे अंदर से। शॉप से गुजरना मतलब दिस इज ब्यूटी आसिफ है ना। आसिफ इसकी हिस्ट्री जो है हम पढ़ रहे थे आते हुए। चर्च ऑफ ऑल प्रोटेस्टेंट चर्चेस इन प्रोटेस्टेंट एंग्लिकन चर्चेस इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड यस। यू लव इट व्हेन यू लुक अप। चले जी अब स्टार्ट किधर से करना है इसका, हमें एक मैप ले लेना चाहिए था। अब यहाँ अंदर इतना बड़ा है कि चलो यार फिर भी नॉट बैड। आसिफ 15 pounds की टिकट जो है वो पूरा साल वैलिड होगी, और क्या चाहिए है ना। आप कभी भी आ सकते हैं कैंटरबरी चर्च में। हमें लंदन से जो है यहाँ पे आना कैंटरबरी सिटी में तकरीबन हमें 1.5 hours लगा होगा आसिफ, हमें इतना टाइम हमें लंदन से लग गया आते हुए। और अभी जैसे हमने स्टार्ट किया है पहला विज़िट हम यहाँ पे कर रहे हैं कैथेड्रल में, उसके बाद पूरी जो सिटी है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हमारे पास बहुत है, समर्स आप देख रहे होंगे कि आ चुके हैं और लोग इन्जॉय कर रहे हैं घूमते हुए, टाइम बहुत है ना। तो टॉयलेट हुआ है, आपने नहीं जाना। गाड़ी एक और जगह पार्क करेंगे जाके। ये है वॉर मेमोरियल हॉर्स। वर्ल्ड वॉर वन में तकरीबन 1,000,000 घोड़े जो हैं यूके से मेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक गए थे, जो कि क्या कहना चाहिए है वॉर के अंदर मर गए, तो उसकी मेमोरी में फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन्होंने यहाँ पे बनाया है कैंटरबरी स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स ने। ये पुराने चर्च की आर्चेस वगैरह जो हैं इस वक्त खड़ी हुई हैं। ये घर लोगों के यहाँ पे इस रास्ते से अंदर जा रहे हैं लोग, हम भी जाएंगे क्योंकि चर्च के अंदर का भी देखते हैं अभी थोड़ी देर में। सो दैट्स द मेन चर्च। We are around somewhere inside. ठीक है। They bury the dead and यहाँ पे graves होंगी। Yes, I know. We can't take any photography, so I'm going to switch off over here and then we'll go inside. हम चर्च के अंदर हैं क्योंकि यही हमें थे वहाँ, उन्होंने फोन और किसी किस्म का भी आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं था। तो ये देखेंगे लिखा हुआ है दिस इज द क्रिप्ट, द क्रिप्ट अलाउड नहीं है। किस साइड पे जाएं? लेट्स विजिट, दिस इज द विजिटर रूट। ये रूट बनाया हुआ है विद द एरोज जहाँ से सबको जाना है। Now this is the main church. ये पूरा यहाँ पे सर्विस होती है, पब्लिक एरिया है, और यहाँ से भी अंदर जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। बट बहुत बहुत ह्यूज, वेरी बिग चर्च। इसको तकरीबन हमें 2 hours तो यहाँ पे घूमते हुए अंदर लग जाए। कुछ एरिया हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं जहाँ आप नहीं बना सकते वीडियो। क्या ढूंढ रहे थे आप? कलर्ड ग्लास होता है जिससे छोटे छोटे पीसेस कट के ये पूरी बनती है, और जो लाइटों से इफेक्ट किया जाता है वो कलर्ड ग्लास से खुद ही इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। ये किंग हेनरी 4th और क्या है एंड हिज वाइफ एबी। Abby, you wanted to see the grave. Come, I'll show you. This is King Henry the 4th. His grave and King Henry 4th
कि ये ग्रेव इन्होंने बनाई है एंड उसकी वाइफ की द क्वीन. The crown is so fancy. Yes. ये एक मम्मा करेंगी, एक एबी करेगी और एक डैडी करेंगे लाइट कैंडल. सी So this is these arches. Mary and Abby अपनी prayers offer कर रही हैं. आसिफ ने पूछा कि आपने prayer क्या की है, तो Abby कहती है I prayed for toys. वो हमें पहले ही पता था कि Abby ने जो prayer की है. Abby, आप you prayed for toys? अच्छा आ जाएगा. चलेंगे, हम miss नहीं करना चाहते कि हम कोई part miss करें. Yes. For. I prayed for you. I prayed for daddy. I prayed for everyone. तो मैं अब कहीं भी जाती हूँ ना, I carry my power charger. और जुगाड़ आपसे बता देते हैं कि ये पर्स से निकालो अपना मेकअप, सारा मेरा पर्स से निकाल दिया. ओके, स्टेप्स देख के अब मैं ज़रा देख के चल रही हूँ. पहले यहाँ से अंदर क्या है? आगे से दिखाती हूँ मैं आपको. ये रेनोवेशन वाला एरिया है, आ गया. वो देखें उस साइड पे है. अच्छा, यहाँ पे है रे. हाँ देखें, पता नहीं अब इतना बड़ा है, हमें अंदाजा नहीं हो रहा. हम निकले हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट से. जितनी हमसे कोशिश हो सकी हमने विजिट कर लिया. ये वाला हिस्सा जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है चर्च का. क्या हुआ? That is the statue of Queen Elizabeth the First. This is the statue of Queen Elizabeth the Second and Prince Philip. They've added it. हो गया हमारा चर्च का टूर और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. एक दफ़ा आपको फ्रंट इसका दिखा देती हूँ. ये अंडर कंस्ट्रक्शन है पार्ट इसका और हम वहाँ से अंदर गए थे एंट्रेंस. पीछे तक हमने आपको पूरा ये दिखाया है और अब हाँ आसिफ और अभी ओके जी एग्जिट यहाँ से. चलें नए क्यों लगे बने हुए लग, बहुत ज्यादा ही वाइट थे वो. वो अभी रिसेंटली बनाए हुए हैं ना. अच्छा ओके, व्हाट एल्स, लेट्स लुक अराउंड. बहुत तंग कर रही है अभी हमें. अभी ये यूज नहीं होगा बेटा. दिस इज द डिस्प्ले वन. दिस इज द टेक वन हियर. इट्स ऑफ नो यूज. बता फ्रिज के लिए. यस ये ले ले मैग्नेट. ये भी अच्छा लग रहा है. ये भी अच्छा लग रहा है. ये भी अच्छा लग रहा है. सर क्यूट लग रहा है. दस मिनट की पे की थी. दस मिनट की पार्किंग थी 3.50 साढ़े तीन पाउंड की.
फिर उसके बाद हमने कितनी पे की, फिर वापस से मैंने और ऐड किया दो घंटे की, 1341 से 325 तक की, 320 की हुई है। अब इसके अंदर मैं और ऐड करूँगा तो वो और ऐड हो जाएगी। अब हमें कहीं और मूव करना है। हाँ जी, तो हमें यहाँ से अब गाड़ी लेके जानी पड़ेगी कहीं और। क्या यहीं पे ट्राई करूँ पे करने की? नहीं ना, मुझे नहीं पता ना कि वो वेस्ट गेट कहाँ है, वो निकाले अपने पास। वेस्ट गेट गार्डन है। I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the day.